गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सरदार पटेल इंटर कॉलेज जरौली फेज टू के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा, हम लोग क्लास टेंथ में जो चैप्टर पढ़ रहे थे, दोचर राश में रैखिक समीकरण हिंदी मीडियम में, इसमें मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था वज्रगुणन विधि के बारे में बताया था। उसके पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि ऑलरेडी पढ़ चुके थे, और कल मैंने जो आपको बताया था वज्रगुणन विधि, वो आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आई होगी, और मैंने उसके एक दो क्वेश्चंस भी बताए थे, फिर मैंने एक्सरसाइज भी आपको दी थी, तो आप लोगों ने एक्सरसाइज लगाई होगी। मैंने कहा था अगर इस तरीके के क्वेश्चंस में वज्रगुणन विधि में कुछ और प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको एक्सरसाइज में ज़रूर डिस्कस करूँगा। तो इस वीडियो में मैं आपकी जो एक्सरसाइज है वज्रगुणन विधि वाली, उसी के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करने जा रहा हूँ। आइए एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, एक्सरसाइज जो हमारी थी वो थी एक्सरसाइज 3D, निम्नलिखित समीकरणों को वज्रगुणन विधि से हल कीजिए। तो बेटा, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा, चार नंबर तक तो मुझे सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे मुझे बताने नहीं पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूँ, चूंकि हो सकता है क्वेश्चन नंबर 5 में बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 ही इस एक्सरसाइज का बताने लायक भी है, बाकी तो सारे सिंपल हैं, एक ही तरीके के हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज का डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए बच्चों, एक्सरसाइज है आपकी 3D प्रश्नावली, 3D में हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे हैं प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका AX+BY = -P, तथा दूसरा समीकरण है आपका AX-CY = Q। बेटा, ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं। तो चलिए बेटा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारा अचर पद होता है उसको हम लोग फॉरवर्ड करके इधर लाते हैं, पक्षांतर करते हैं उसका। तो बेटा, ये आपका हो जाएगा AX+BY+P = 0 तथा AX-CY - Q = 0। ये आपके दो चर राशि के युगपद समीकरण अपने मानक रूप में हो गए, AX1+BY1, A1X+B1Y+C1=0, A2X+B2Y+C2=0। ओके बच्चों, अब इसको हम लोग साल्व कर रहे हैं किस विधि से, वज्रगुणन विधि से। तो मैंने आपको बताया था हम लोग करते हैं X/Y/1/1। तो चलिए जरा देखिए, जब यक्स लेंगे तो यक्स के वेरिएबल्स नहीं लेंगे हम लोग, ये लेंगे बेटा, क्या लेंगे, बी लेंगे, और यहाँ से माइनस का सी लेंगे, यहाँ से पी लेंगे, और यहाँ से माइनस का क्यू लेंगे। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई, बताया था मैंने आपको। जब वाई लेंगे तो वाई के वेरिएबल्स नहीं लेंगे, ये लेंगे, पी लेंगे, माइनस क्यू लेंगे, और बेटा क्या लेंगे, ए लेंगे और ए लेंगे, चूंकि दोनों में ए और ए है, ए और। अब बेटा, जब हम लोग अचर पद लेते हैं 1/1, तो पी और क्यू को नहीं लेना है, स्टार्टिंग से ए और ए को ले लीजिए यही वाला, और बी को ले लीजिए और माइनस सी को ले लीजिए। देखिए बच्चों, ये इस प्रकार का हमारा आ जाएगा, पी क्यू से खत्म है, पी क्यू से स्टार्ट है, ए ए से खत्म है, ए ए से स्टार्ट है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप जिस तरफ से कराना चाहते हो वो आपकी मर्जी, मैंने आप पर छोड़ा था, आप इधर से कराएं पहले या आप इधर से कराएं वो आपकी मर्जी है, लेकिन जिधर से भी कराएं वही प्रोसेस सब में रखें। तो अगर मैं इधर से करा रहा हूं तो सबसे पहले मैं इधर से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका X/Y बेटा ये आ जाएगा माइनस का बी क्यू, बीच में माइनस चिन्ह लगता है, कल बताया, माइनस सीपी हो जाएगा ये, लेकिन जब माइनस सीपी यहां लिखेंगे तो ये प्लस सीपी हो जाएगा। बोलो बच्चों, हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ये है और ऑलरेडी माइनस यहाँ होता है, तो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। चलिए आइए नेक्स्ट में, Y/ बेटा ये आपका AP हो जाएगा और माइनस ये AQ हो जाएगा, लेकिन फिर से माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया। इधर आते हैं बेटा, तो 1/ ये माइनस का AC हो जाएगा और ये माइनस का AB हो जाएगा, बात बच्चों समझ में आ गई होगी।
अब देखिए यहाँ पर कोई अचर पद तो है नहीं कि उनको हम जोड़ घटा दें, सारे वेरिएबल्स हैं, चर राशियां हैं, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, एक एक को इसके बराबर कर देना है और x और y की वैल्यू निकाल देना। तो लिखेंगे जब x अपान माइनस बी क्यू प्लस सी पी बराबर वन अपान माइनस ए सी माइनस ए बी। तो बेटा क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से इधर भेज देंगे। तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा, जरा ध्यान से देखिए, इसको इधर भेज दिया तो यक्स बराबर आ गया, ये उधर जाएगा माइनस बी क्यू प्लस सी पी अपान, इसमें से माइनस का चिन्ह कॉमन कर सकते हैं तो अंदर बच जाएगा सी प्लस बी। ये बेटा आ गई किसकी वैल्यू, आ गई एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट में जब हम इसको और इसको ले लेंगे, जब y अपान ए पी प्लस ए क्यू बराबर वन अपान माइनस ए सी माइनस ए बी, फिर इसको इधर भेजेंगे तो y बराबर ए पी प्लस ए क्यू अपान माइनस का एक कॉमन कर लेंगे c प्लस बी बच जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ऊपर से एक कॉमन कर सकते हैं तो p प्लस क्यू आ जाएगा माइनस ए सी प्लस बी। यहाँ से इसको इसको अगर काट भी देंगे a से a तो y बराबर आ जाएगा माइनस पी प्लस क्यू अपान बी प्लस सी। इसको सही से लिख दिया है, ऋणात्मक चिन्ह आप हर में लगाए या अंश में लगाए बात एक ही होती है। तो बेटा ये आपका y की वैल्यू आ गई और यहाँ से आपकी ये x की वैल्यू आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा, वर्गमूल विधि से कोई टफ नहीं होता है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें जैसे पहले थी बिल्कुल वैसी ही। तो बेटा ये तो था हमारा युगपत समीकरण का छोटा रूप था, अब हम लोगों को इसी में युगपत समीकरण का विस्तृत रूप पढ़ना है, थोड़ा सा बड़ा रूप पढ़ना है। उस बड़े रूप में हो सकता है आपको समीकरण को दो बार सॉल्व करना पड़ जाए। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं युगपत समीकरण का विस्तृत रूप। इसके लिए एक्सरसाइज आपकी जो नेक्स्ट दी गई है 3E, मैं उसे डिस्कस कर रहा हूँ। 3E में देखिए बेटा विस्तृत उत्तरी प्रश्न लिखे हुए हैं, सारे चार नंबर वाले क्वेश्चन हैं। में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए, मतलब पहले दिए गए समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदल देना है। मतलब यही वाला a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, और बाद में जब वो बदल जाए, बदल जाने के बाद में फिर उन्हें सॉल्व करना है। आप किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप विलोपन विधि से, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वज्रगुणन विधि से। चूज आपको करना है कि आपको कौन सी विधि ज़्यादा अच्छी लगती है और किसमें आपका कैलकुलेशन गलत नहीं होता। तो चलिए बच्चों आइए प्रश्नावली 3 को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझने का प्रयास करिए और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, और निश्चित रूप से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व कर जाएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3E, विस्तृत रूप जो है हमारा उसे। तो एक्सरसाइज बेटा हमारी 3E है और मैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा एक्स प्लस वाई बराबर टेन एक्स वाई, तथा दूसरा समीकरण है एक्स माइनस वाई बराबर सिक्स एक्स वाई। देखिए बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें एक चीज और है, जैसे देखिए ये तो बिल्कुल अच्छा से लिखा है, ये भी अच्छे से लिखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है कि यहाँ पर फिर से हमें दो चर राशियां दे दी गई हैं। अगर अचर पद केवल रहता तो सॉल्व करना बड़ा ईजी था, लेकिन फिर से दो चर राशियां आ गई तो इनको पहले बदलना पड़ेगा। बदलने का तरीका क्या है जरा वो देखिए। सबसे पहले ये एक्स वाई जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको हम डिवाइड में ले आते हैं इधर से, वैसे ही सेम इधर ले आएंगे। तो बेटा ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर टेन। बोलिए बच्चों समझ में आ गया आपको, ये मैं इसको अपान में ले आया, सेम हियर इसको भी अपान में लाएंगे इज इक्वल टू सिक्स। ओके, अब क्या करेंगे, चूंकि एक्स वाई दोनों के अपान है तो हम इसको सिंगल सिंगल लिख सकते हैं, बात समझ में आ गई।
मतलब यक्स वाई दोनों के अपान है, तो अलग अलग करके ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा। मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया भी है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वैसे ही इसको भी लिखेंगे। ये देखिए लिख लिया बच्चों, अब क्या करेंगे, देखिए यक्स से यक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, वन अपान वाई बचेगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वन अपान यक्स बचेगा, तथा यहाँ पर यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, वन अपान वाई बचेगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, वन अपान यक्स बचेगा। ये देखिए आपका समीकरण बन गया। अब इसमें हम लोग मान लेते हैं, चूंकि ये वन अपान करके लिखा है तो अब इसमें एलसीएम लेने से कोई फायदा नहीं, फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया, कोई फायदा नहीं होगा। तो आप सब तो बेटा इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, बी प्लस ए इज इक्वल टू 10 तथा बी माइनस ए इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों समीकरणों को हम या तो प्रतिस्थापन या विलोपन या वज्रगुणन किसी भी विधि से सॉल्व कर सकते। तो चलिए बेटा ये लिखा है बी प्लस ए इज इक्वल टू 10 और बेटा b माइनस ए इज इक्वल टू 6, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा किस विधि से, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। चिन्ह बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए a से a कट जाएगा, 2b इज इक्वल टू 16, तो बेटा बताइए b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अब b की वैल्यू 8 है, इसको आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए, चाहे यहां b बराबर 8 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ये वाला समीकरण नंबर 1 था, तो बेटा 8 प्लस a इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो बेटा a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, तो बताइए बेटा a की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। b की वैल्यू क्या निकाली थी हम लोगों ने, 8 निकाली थी, लेकिन हम लोग b और a के लिए सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, x और y के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए बेटा यहाँ पर आइए, ये हमने क्या माना था, 1 अपान x किसके बराबर था, 1 अपान x किसके बराबर था, a के, तथा बेटा 1 अपान y किसके बराबर था, b। ये देखिए बच्चों माना था, तो वैल्यू रख दीजिए 1 अपान x इज इक्वल टू 2 तथा 1 अपान y इज इक्वल टू 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा x का मान आ जाएगा 1/2 तथा बेटा y का मान आ जाएगा 1/8। तो ये आपकी x और y की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा कि कैसे हम लोग बड़े सवालों को, विस्तृत युगपत समीकरणों को पहले छोटे फॉर्म में चेंज करते हैं, उसके बाद में उन्हें सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा आपका पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका बिल्कुल सेम है, x y को आप अलग अलग करके भाग दे देंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, देखिए ये जो हमारा बना हुआ है यही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बस आप अलग अलग डिवाइड कर देंगे, आपका अपने फॉर्म में चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो यहाँ से है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो बस सीधे इसको मान लेना है, समझ में आ गया। इसी प्रकार बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका इसी प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी प्रकार से है, उसमें 1 अपान x प्लस y है और 1 अपान x माइनस y है, इसको पूरे को a और पूरे को b मान लेना है, फिर आप सॉल्व कर देंगे दोनों प्रकार से। तो आप लोग कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 तक लगाइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल के वीडियो में उसको आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करता हूं, आप लोगों ने इसे समझा होगा और आप लोग इसे अपनी फेयर कॉपी में लगाएंगे। कल से मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 10 में आगे के टॉपिक को लेकर के, और ये टॉपिक हमारा जल्द ही फिनिश होने वाला है, तो आप लोग जिसने इसे फेयर कॉपी में नहीं लगाया है इसे फेयर कॉपी में लगाएं, और लगाने के बाद उसे रिवाइज भी करें ताकि कोई भी तरीका या कोई भी मेथड आप भूले नहीं। और जिन लोगों ने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में लाइक जरूर कीजिए। ओके, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।